नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बनाए गए पहले आर्मी बोर्ड ने नतीजे जारी कर दिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए नतीजों के मुताबिक भारतीय सेना ने 70% लेडी ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को उन महिला अधिकारियों का चयन कर लिया गया जो सेना में फुल टर्म पूरा करेंगी। बोर्ड की तरफ से 615 लेडी ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया गया था, इसमें से 422 को बोर्ड ने फिट पाया है। गुरुवार को बोर्ड के नतीजों को जारी किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया गया था। इस संबंध में साल जुलाई में सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि सेना की 10 शाखाओं में लेडी ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 31 अगस्त की समय सीमा तय की थी, जिसमें लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए अपनी एप्लीकेशन देनी थी। इसके साथ ही महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया था, जिसने अब अपनी रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी लेडी ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन की हकदार हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा था कि वो 3 महीने के अंदर सभी लेडी ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन प्रदान करे। वहीं केंद्र सरकार को कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साल 2010 में दिए गए फैसले पर भी रोक लगा दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।